हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इन्फोसिस के शेयर में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। फ्रॉड के लिए 8 लाख यूएस डॉलर का फाइन देना पड़ रहा है इन्फोसिस को। अब आप 8 लाख यूएस डॉलर को कन्वर्ट करके देख लीजिए रुपीज में, तो बड़ा अमाउंट ये है, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है इन्फोसिस जैसी कंपनी के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रॉड कौन सा था। अभी आपने देखिए रिसेंटली एक फ्रॉड की बात आ रही थी जिसके लिए कंप्लेंट हुआ था, यानी कि जो आंकड़ों में गड़बड़ी की जो कंप्लेंट की गई थी उसकी वजह से शेयर को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और एक ही दिन में शेयर 15-16% नीचे गिर गया। लेकिन ये वो फ्रॉड नहीं है जिस फ्रॉड के लिए 8 लाख डॉलर का फाइन देना पड़ा है इन्फोसिस ने। अग्रीमेंट अभी साइन किया है कि भाई हम अग्री हैं, हम 8 लाख में ये सेटलमेंट करते हैं। चलिए देखते हैं इस फाइन के ऊपर। और साथ में इस खबर से मैं कहूँगा आपसे घबराना नहीं, अगर आप इन्फोसिस के स्टॉक में बने हुए हो, आपका फेवरेट ये शेयर है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पुराना कोई केस है जिसके चक्कर में यहाँ पे फाइन दिया गया है, इसके बारे में जानते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, उस पर क्लिक कीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे जब आपके पास क्या होगा, डीमैट अकाउंट। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि डीमैट अकाउंट इज द फर्स्ट थिंग। अब हम सीधे लेके चलते हैं आपको स्टॉक की तरफ। इन्फोसिस के शेयर को आप देखे हुए तो आज की डेट में अगर आप यहाँ देखें 733 के आसपास ये शेयर जा चुका है। बड़ी डिलीवरी आज देखने को मिली है मुझे, और धीरे धीरे इसमें डिलीवरी की परसेंटेज रेगुलर बेसिस पर बढ़ती जा रही है। ये देखिए कि जो ट्रेडेड क्वांटिटी मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे 1,22,00,000 थी जिसमें 70 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, डिलीवर हुए, 57% की डिलीवरी। धीरे धीरे डिलीवरी बढ़ती जा रही है, और 737 का हाई जरूर बनाया इसने आज, लेकिन लास्ट में आते आते जो प्राइसिंग है वो 733 की लास्ट प्राइसिंग इसकी देखने को मिल रही है। अब बड़ी खबर यह है, बाकी चीज़ें तो सारी ठीक है, लेकिन जो फाइन लगा है उसको देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो 8 लाख यूएस डॉलर का फाइन लगा हुआ है। अगर आप हिसाब से लगाओगे तो कितना होगा, 5,60,00,000 के आसपास ये बनता है, अगर इंडियन रुपीज़ में 70 के हिसाब से हिसाब लगाएं तो। लेकिन फ्रॉड क्या था, तो देखिए एक तो फॉरेन वर्कर्स वीजा टैक्स ये सब फ्रॉड इन्फोसिस के थे, 2006 से लेके 2017 तक के ये फ्रॉड थे। जैसे कि इसमें देखा होगा आपने, अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हो तो आपको ज़रूर ये पता होगा। देखिए आईटी कंपनी में क्या होता है कि कंपनीज अभी अमेरिका में जब इम्प्लॉयज़ को भेजती हैं तो अलग अलग तरीके से वीजाज होते हैं। H1B वीजा होता है जहाँ पे आपको 3 साल का वीज़ा मिलता है, लॉटरी सिस्टम होता है, बहुत कम लोगों का नंबर आता है। लेकिन एक B1 वीज़ा भी होता है जो जिसको बिजनेस वीज़ा कहते हैं, जिस पे नंबर आ जाता है, ऑल्दो रिजेक्ट बहुत होते हैं पर नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे आप टाइम टू टाइम अप्लाई कर सकते हो उसको, ऐसा नहीं कि लॉटरी का सिस्टम होगा बिजनेस वीज़ा के लिए। तो बहुत सारी IT कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को अमेरिका में काम करने के लिए B1 वीज़ा पे काम करने के लिए भेजते थे। तो एक ये बड़ा फ्रॉड अमेरिका को दिखा, और उन्होंने यहाँ पे कितना 56 करोड़ का 5.6 करोड़ नहीं 56 करोड़ के आसपास का ये फाइन फ्रॉड उन्होंने लगा दिया भाई। अब हिसाब किताब लगाया जाए तो 8 लाख ये यूएस डॉलर है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 70 से गुणा करूँ तो 8 लाख को अगर मैं 7 से 0 लगा देता हूँ तो 56 करोड़ नहीं बल्कि ये होगा आपका। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे 8 लाख डॉलर को, तो देखिए 5.6 करोड़ ही होता है। यहाँ पे 56 करोड़ लिखा है, ये जो एक जीरो ऐड करना भूल के, यहाँ पे अगर आप सीधे सीधे करिए 8 लाख डॉलर 70 से मल्टीप्लाई करिए तो सीधे सीधे रुपीज में 5.6 करोड़ के आसपास बैठता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लियरली देख पाऊँ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई आईटी में जो यूएस में बहुत सारे, क्योंकि इंडिया की लेबर बहुत सस्ती है, मैं कहता हूँ भाई इंडियन आईटी एम्प्लॉयज को, भैया इंडिया की लेबर बहुत सस्ती है एज़ कम्पेयर टू यूएस। तो यहाँ से टाइम टू टाइम लोग भेजे जाते हैं, H1B पे भेजे जाते हैं और वहाँ जाके उनसे काम करवाया जाता है। बल्कि यूएस में जो H1B वीजा पे जाते हैं वो बिजनेस वीजा होता है, तो बिजनेस के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उस पर काम करते हैं। तो इसीलिए इन्फोसिस पे यहाँ पे फाइन लगा। बहुत सारे केसेस ऐसे निकल के आए, अप्रॉक्सीमेटली 500 इम्प्लॉयज बहुत होते हैं अगर आप देखा जाए तो। ये एक साल नहीं, 2006 से लेके 2017 तक का डाटा है, और ऐसा इन्फोसिस ने किया तो इन सब चीज़ों के चक्कर में यहाँ पे उसको फाइन लगा, और ये फाइन 8 लाख यूएस डॉलर का है, 8 लाख यूएस डॉलर। अब आप खुद सोचिए, इन्फोसिस ने कहा कि भैया हम अग्री हो चुके हैं और हम इतना पे करेंगे, तो भाई पे कर रहे हैं इन्फोसिस अग्रीमेंट के लिए, पे कर रहे हैं सेटलमेंट जो देखने को मिल रहा है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। पुरानी जो है केसेस है, पुराने फ्रॉड्स हैं, अभी ऐसा नहीं है कि जो अभी व्हिसल ब्लोअर की कंप्लेंट थी उसके ऊपर ये
फाइन लगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पुराना फाइन यह है। और इन्फोसिस एक बड़ा शेयर है, तो हर कोई यहाँ पे इंतजार करता है भाई कुछ अपडेट यहाँ पे आए। इन्फोसिस देखिए 5.6 करोड़ जो मैं आपको दिखा रहा था, जिसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग बैठ रही थी कि 56 करोड़ है, 5.6 करोड़ है, देखिए 5.6 करोड़ ये है जो टैक्स फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं। चलिए तो ये इन्फोसिस का शेयर है, मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ इन्फोसिस के बारे में, थोड़ा सा समझे। मैं कहूँगा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, 3 लाख करोड़ से पार का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, नो डाउट। ऑल दो बीच में जो विशल ब्लोअर की कंप्लेंट के बाद गिरावट जरूर आई थी, लेकिन एक बार नज़र इस शेयर को देखिए, 87 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू है और 15 हज़ार करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट। और ऐसा भी माना जा रहा था, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई थी कि किसी ने वहाँ पे इस टाइम फ्रेम में खूब सारी यहाँ पे सेलिंग करी, और ये बड़ी न्यूज़ आने से पहले ही इसमें बड़ी सेलिंग देखने को मिली, ऐसा माना जा रहा था। और आप देख सकते हो कि ये बड़ी न्यूज़ जब आई उससे पहले भी मैं गैप डाउन ओपनिंग इसमें देख पा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो गैप डाउन ओपनिंग आया था रिजल्ट के टाइम फ्रेम में, और ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गिरावट आने वाली है, लेकिन इस तरीके से बड़ी गिरावट आई थी। और उस टाइम के हिसाब से आप फिलहाल अब देखिए इन्फोसिस के ऊपर सेबी का क्या रिएक्शन रहता है, वो क्या कहता है, अगर यहाँ पे बीच में सेलिंग हुई है पहले ही, जो बड़ा वॉल्यूम अगर सेल हुआ है, तो इन्फोसिस सेबी को उसको ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन जो अगर बाहर लीक हुई है, या फिर इन्फोसिस के अंदर से ही किसी ने जो है सेलिंग ट्रिगर कर रखी है, और उसके बाद ये विसल ब्लोअर की कंप्लेंट आती है। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से अगर ये इनसाइडर ट्रेडिंग का केस निकलता है, तो ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर होगी कि आप पहले ही सारे फ्यूचर्स बेच दो, ऑप्शंस बेच दो, सेल कर दो, और आपको पता है कि प्राइस गिरने वाला है, और ऐसी खबर निकलने के बाद प्राइस गिर जाएगा। सोचिए अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग की होती, या फ्यूचर सेल किया होता, ऑप्शन सेल किया होता, पी खरीदा होता, मैं मीन्स, तो वो कितना प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा उसने इस टाइम पे, कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली कि स्टॉक सीधे 750 के लेवल से, 750 के लेवल से 625 के लेवल पे गिर गया, 615 के लेवल तक आ गया था। और ऐसा बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही थी जिस रेंज में, मैं बार बार जैसे आपको सपोर्ट और सपोर्ट की बात करता हूँ, रेजिस्टेंस की बात करता हूँ, तो इसके शेयर गिरा नीचे, और सपोर्ट यही माना जा रहा था कि 600 से 615 के आसपास की ये रेंज होगी जहाँ तक शेयर आ सकता है, और बिल्कुल वहीं पाया उसके बाद। लेकिन बहुत अच्छा बाउंस बैक शेयर में देखने को मिला है, और करंट सिचुएशन में जो देख पा रहा हूँ वो मुझे काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। करंट सिचुएशन के हिसाब से देखिए बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पर ये आ चुका है, जो अभी रिसेंटली पीक बनाया उसके आसपास आ चुका है। अब इंपॉर्टेंट है ये 200 डे की मूविंग एवरेज को पार करना। अगर इस लेवल को, जो कि 744 का लेवल मुझे दिख रहा है, इसको एक बार ये पार कर दे, तो मतलब यहाँ पे बुलिश स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी, और इस बुलिश स्ट्रेंथ के साथ साथ एक बड़ी पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे। तो इस ब्रेकआउट के बाद 200 डे की मूविंग एवरेज की लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इन्फोसिस के स्टॉक के लिए। यही नहीं, मैं अगर आपको देखूं तो अगर आप इसमें पहले से इन्वेस्टेड हो, आप देख रहे हो इन्फोसिस के शेयर में, तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस का शेयर एक फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, नो डाउट इट्स फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर। एक न्यूज़ के चक्कर में यहाँ पे शेयर में बड़ी गिरावट आई, क्लैरिफिकेशन न्यूज़ के, अब देखिए शेयर बाउंस बैक जरूर कर चुका है, और अब क्रूशियल लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ 745-50 का जो लेवल है, काफ़ी क्रिटिकल लेवल इसके लिए है। और यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में लगातार बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और इन्फोसिस का शेयर हर किसी को पसंद इसीलिए है, अब क्यों पसंद है इन्फोसिस का शेयर, क्योंकि भाई खूब बोनस देता है, खूब आपको डिविडेंड से माला माल करता है, और बाईबैक से माला माल करता है, तो इस तरीके से आपको नई नई स्कीम के थ्रू पैसा कमा के ये देता है, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस शेयर को देखना। पिछले 5 दिन का अगर एवरेज वॉल्यूम देखें, तो ऑलमोस्ट कितना 8 करोड़ 87 लाख का है, और पिछले 10 दिन का वॉल्यूम देखा जाए तो 71 लाख का, तो इस तरीके से अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो रहा है टाइम टू टाइम। अब मैं आपको बता रहा था कि बोनस एंड डिविडेंड की बात बता रहा था, तो आप देख सकते हो कि अब तक ये 8 बार बोनस दे चुका है, और बढ़िया डिविडेंड इन्फोसिस देता है जनरली। आप देखिए क्लियरली, अभी रिसेंटली इसने 8 रुपये का डिविडेंड दिया था, अभी अप्रैल में इसने 10.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, जनवरी में इसने 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो इस तरीके से बढ़िया डिविडेंड देता है टाइम टू टाइम। आपको शेयर में बायबैक भी अनाउंसमेंट होती है, टेक्निकल लेवल पर अगर आप पूरे शेयर को देखा जाए तो बहुत बढ़िया रिटर्न नो डाउट ये देता है। आप वीकली चार्ट को देख लीजिए, किस तरीके से पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली, बीच में बड़ी गिरावट आई थी जो आई थी, और पॉजिटिविटी बहुत ही बेहतरीन जंप इसने दिया था रिसेंट में। और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो 2008-09 की बड़ी गिरावट के बाद ये शेयर कहाँ से 130 रुपये के शेयर को किस तरीके से बाउंस बैक होता होता ये 800 के लेवल को ऑलरेडी पार कर चुका है, लेकिन अभी की ये गिरावट के बाद ये उभरने बिल्कुल लगा है।
चलिए, ये अपडेट था जो 8 लाख डॉलर का फाइन लगा उसके बारे में हमने बात करी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।